ओके, गुड आफ्टरनून अगेन, गुड मॉर्निंग सॉरी। और आज हम शुरू करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। यू रिमेम्बर, हम लोगों ने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप की बात की थी, जहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव सपोर्ट होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव बनते हैं, एंड वी सॉ दैट यू नो एक वेव ट्रैवल करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और फिर टकराने के बाद वापस आती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे बिहेव करती है। इट बिहेव्स, अगर मैं एक क्विक रिकैप करूं तो रिकैप में मैं यही बोलना चाहूंगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव बिहेव्स एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और मैंने इसका एग्जांपल भी आपको लेके दिखाया था। इट बिहेव्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ट्रांसवर्स वेव। टी वेव लिख रहा हूँ, टी वेव मतलब ट्रांसवर्स वेव, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपोजिट मतलब जैसे अगर आप याद करोगे ट्रांसवर्स वेव में अगर डेंसर मीडियम से टकराती थी तो पाई का फेज चेंज होके वापस आती थी, मतलब उल्टे होके आती थी वेव फॉर्म। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो डेंसर मीडियम से जब टकराएगी तो वो वापस आएगी यू नो विदाउट एनी चेंज। मीन्स अगर कंप्रेशन स्ट्राइक कर रहा है तो वो कंप्रेशन वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, और अगर रेरिफैक्शन स्ट्राइक कर रहा है तो इट विल टकराती थी तो वापस जैसे जैसे जाती थी वैसी ही आती थी, सेम एम्पलीट्यूड के। यस और नो? सेम एम्पलीट्यूड के। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव तो अगर रेयर मीडियम से टकराएगी तो ये उल्टा होके वापस आएगी। उल्टा होके वापस आएगी मतलब पाई का फेज चेंज होगा, मतलब कंप्रेशन जो है वो रेरिफैक्शन बन के वापस आएगा और जो रेरिफैक्शन है वो कंप्रेशन बन के वापस आएगा। इस टाइप की चीजें होती थी। तो उसका हम लोगों ने लॉजिक भी देख लिया था कि व्हाई डज इट हैपन। और बेसिकली हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेसिकली जो ट्रैवलिंग वेव होती थी, हम लोगों ने अगर आप याद होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवलिंग वेव, मैं इसको सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, जो कि यू नो थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमने डील किया हुआ था, लेकिन समझने वाली बात यह है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि यू नो जहाँ पे आपको बेसिकली दो टाइप के ट्रैवलिंग वेव मिलेंगे। एक मिलेगा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव भी बोलते हैं। तो एक मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेव और दूसरा मिलेगा आपको प्रेशर वेव, राइट। इस टाइप की चीजें मिलेंगी आपको, दो चीजें। और एक वेव मिलता था जो मैंने बोला था बिल्कुल प्रेशर वेव की तरह ही होता है, वो है डेंसिटी वेव, यू रिमेम्बर इट, राइट। तो बेसिकली जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्टेशनरी वेव की स्टडी करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव दोनों के टर्म्स में ही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट, राइट। तो चलिए अब हम अपने यू नो एजेंडे पे आ जाते हैं। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, सपोज वी स्टार्ट विद अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इफ यू रिकॉल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बेसिकली हम बात करेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव की। वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव। तो डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका जो एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर है वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्स होगी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज द रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा दूसरे एंड पे, ठीक है। लेट मी मार्क इट टू बी वेरी क्लियर। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। तो हमें दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव में ए में आपका डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा, किसका नोड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा, और अगर आप देखोगे पॉइंट बी पे आपको डिस्प्लेसमेंट का नोड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट का, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसका कॉन्ट्ररी आपको बोलू कि यू नो लेट्स ड्रॉ द फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, लेट्स ड्रॉ द प्रेशर स्टैंडिंग वेव। तो अगर मैं प्रेशर स्टैंडिंग वेव की बात करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं प्रेशर स्टैंडिंग वेव की बात करूँ तो प्रेशर स्टैंडिंग वेव में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा है वहां पे प्रेशर का क्या बनेगा, नोड बनेगा। ये चीज समझने वाली चीज है, राइट। सॉरी
ये चीज समझने वाली है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से. समथिंग लाइक दिस विल हैपन, राइट? तो प्रेशर स्टैंडिंग वेव विल बी जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव. ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया है, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. क्योंकि अगर मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करूं, ये सबसे फंडामेंटल या मतलब फ्रिक्वेंसी, ये सबसे यू नो स्मॉलेस्ट तरीके से मैं कंप्लीट लूप्स बना सकता हूं. दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसे. तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन करना जरूरी है. तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड. तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, फिर से हम थोड़ा सा एक बार और बना लेंगे, इसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी और अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी. सपोज मैंने आपको सामने एक क्लोज ऑर्गन पाइप बनाया है, और क्लोज ऑर्गन पाइप बनाया है, सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट वेव आप लोग प्लीज अपने कॉपी में बनाना शुरू करें. डिस्प्लेसमेंट वेव की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का एंटीनोड और नोड का पोजीशन, ठीक है? और मैं डिस्प्लेसमेंट ही दिखा रहा हूँ, प्रेशर नहीं दिखा रहा हूँ. प्रेशर ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में मैं दिखा चुका था. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको समझ में आएगी कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो लेंथ ऑफ द पाइप है, सपोज द लेंथ ऑफ द पाइप इज एल, ठीक है? अब हम यहाँ पे भी किसी भी टाइप का वेव हो, हम वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा तो हमेशा लगा सकते हैं. तो v is equal to f lambda में जो f आएगी, which is the fundamental frequency यहाँ पे, f not बोल रहा हूँ, which is the fundamental frequency, it will be equal to v upon lambda. अब v यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो v है, this is the velocity of sound in air, and velocity of the sound in air का formula आपको पता है, it will not be exactly same as that of velocity of the sound in strings, right? It will be what? It will be under root of gamma rt by m. आप already इस चीज को निकाल चुके हो, या gamma p by rho, जो लिख लो आप, ठीक है? और आपको सारे dependence भी मैं बता चुका हूँ, gamma rt by m not. Where m not is the molecular mass. I hope you understanding this. और सब लोग sync में हो, सब लोग मेरी बात समझ रहे हो, right? Okay. ठीक है. तो velocity of the sound जो होगी, वो हो जाएगी under root of gamma rt by m not. तो fundamental frequency will be equal to vs upon lambda. तो vs है under root of gamma rt by m not by lambda. अच्छा, lambda यहाँ पे क्या लिखूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक एंटीनोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई फोर. रिमेम्बर, लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू एल. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4L. सो वी अंडरस्टैंड दिस, लैम्डा की वैल्यू 4L आएगी. तो लैम्डा की वैल्यू 4L आएगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी वीएस अपॉन लैम्डा, इट विल बी 1 अपॉन 4L, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट. आई होप आपको समझ में आ रहा है, गामा आर टी बाय एम नॉट. सो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया. अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको जो सिखाया था स्ट्रिंग में, वैसे ही आपको समझना है. ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है. और यहाँ पे कौन सा टर्म लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है. इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं इधर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कॉल इट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो कि दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक. This is your first harmonic. I hope you understood this. This is your first harmonic, right? तो ये displacement हुआ. Similarly, आप pressure का भी बना सकते हो. Pressure का क्या हो जाएगा? सिर्फ उल्टा क्या हो जाएगा? मैं उसको एक ही diagram में pressure का भी बनाता हूँ और उसमें मैं एक अलग diagram से दिखाता हूँ. Pressure अगर मैं pressure standing में बनाने जाऊँ तो वो ऐसा होगा. ये देख. ऐसा होगा. I hope you understood this. ये ऐसा नहीं कि दो waves superimpose हो रहे हैं. ऐसा मत समझना. जो red वाला है वो क्या show कर रहा है? वो शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और जो ग्रीन वाला है, दैट इज शोइंग द प्रेशर स्टैंडिंग वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक, आई. चलिए एक नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं. अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका एक और मोड, मैं ज्यादा इस पे एक और फंडामेंटल, आप लोग प्लीज फंडामेंटल के जस्ट ऊपर वाला एक केस बनाने की कोशिश करो. ठीक है, लेट्स टेक दिस. अभी अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल के ऊपर एक कंप्लीट लूप बनाना पड़ेगा अपने को. तो अगर हम
डिस्प्लेसमेंट का बनाते हैं. डिस्प्लेसमेंट इट विल बी समथिंग लाइक दिस, लेट्स सी दिस. ये देखिए something like this would happen, right? तो अभी अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको एक बात समझ में आएगी कि अभी जो ये length tail है, ये मैंने किसका बनाया? अच्छा, ये मैंने किसका standing wave बनाया? आपको clear होना चाहिए. ये मैंने displacement का standing wave बनाया. Displacement का कैसे पता चला? क्योंकि जहाँ पे free boundary थी, वहाँ पे मैंने displacement का anti node बनाया है, जो कि logical है. वहाँ पे displacement max हो सकती है, ठीक है? और अगर मैं pressure का बनाने जाऊँ, तो इसका just उल्टा होगा, ठीक है? इसका जस्ट उल्टा होगा. मतलब अगर मैं एक ही डायग्राम में बना दूं इसे ताकि आपको क्लैरिटी रहे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एक सीधी मछली, एक उल्टी मछली, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो इसको, ठीक है? ये अलग अलग डायग्राम में आपको थोड़ा विविड दिखाई देगा, और बनते वक्त इसको ध्यान देना. एक बार बन जाए तो ये देखने में काफी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब बन रहा हो ना तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी. अब हम क्या करेंगे, ये जो L है, ध्यान से देखना, ये जो L है, अब ये L किसके बराबर होगा? लॉजिकली देखते हैं. ये जो L है, देखो यहाँ पे दो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का देखोगे तो दो नोड्स हैं. एक पॉइंट में मार्क करता हूँ, सपोज दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू एंड दिस इज पॉइंट थ्री, ठीक है? तो वन और टू के बीच की दूरी कितनी? वन और टू के बीच की दूरी है लैम्डा बाई टू, बिकॉज ये दो नोड्स के बीच की दूरी है डिस्प्लेसमेंट की. तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, क्या ये थ्री लैम्डा बाई फोर हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इज इट थ्री लैम्डा बाई फोर? तो अगर ये थ्री लैम्डा बाई फोर है तो फिर से हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू एफ लैम्डा. पर अभी ये जो एफ है, दिस इज योर, यू नो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जस्ट बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है एफ लैम्डा. तो इससे जो एफ आएगी वो आ जाएगी वी एस बाई लैम्डा. वी एस इज वॉट? वी एस इज अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम नॉट, गामा आर टी बाई एम नॉट, ठीक है? एंड लैम्डा को क्या लिखेंगे? लैम्डा विल बी 4L बाय 3. तो ये चीज आ जाएगी 3 अपॉन 4L. लेट्स से दिस. तो अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस 3, दिस 3 इज अ नंबर व्हिच इज शोइंग व्हिच हार्मोनिक इट विल बी. तो लॉजिकली अगर हम देखें तो ये जो थर्ड दिखा रहा है, दैट मींस दिस इज व्हाट, this is your third harmonic, this is your third harmonic. अब फिर से सवाल आता है, third harmonic आ गया तो आप जरूर, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये कुछ overtone तो होगा. ये कौन सा overtone होगा, थोड़ा देख लेते हैं. overtone के लिए क्या बोला गया है कि fundamental के ऊपर extra कितने complete loops, fundamental के ऊपर extra कितने complete loops. तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल के ऊपर, फंडामेंटल यहाँ तक खत्म हो गया था डिस्प्लेसमेंट का, फंडामेंटल के ऊपर हमने कितने एक्स्ट्रा कंप्लीट लूप्स बनाए हैं, फंडामेंटल के ऊपर हम कितने कंप्लीट एक्स्ट्रा लूप्स बना रहे हैं, फंडामेंटल के ऊपर हम कंप्लीट एक कंप्लीट एक्स्ट्रा लूप बना रहे हैं, ठीक है? तो ये थर्ड हार्मोनिक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन. जितनी संख्या होगी फंडामेंटल के ऊपर कंप्लीट लूप्स एक्स्ट्रा की, दैट क्वांटिटी, जितनी संख्या होगी, दैट संख्या इज द ओवरटोन नंबर. तो यहाँ पे ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ, ठीक है? अब मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने कॉपी में इंडिविजुअली करते चलो, एंड डोंट वेट फॉर मी. मैं अभी ये जनरलाइज्ड वाला एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि हमको समझ में आए ये चीज, ठीक है? ठीक है, ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिस्प्लेसमेंट का बनाएंगे. डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा देखो ध्यान से, ऐसा मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये देखो. ठीक है, लेट अस से दैट फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल के ऊपर मैंने n कंप्लीट लूप्स मार दिया आगे,
एन कंप्लीट लूप्स मैंने पुट कर दिए हैं फंडामेंटल के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर एन कंप्लीट लूप्स मैंने पुट किए हैं। तो फंडामेंटल के ऊपर अगर एन कंप्लीट लूप्स पुट करूंगा, अब मुझे पता है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ अभी भी एल है। अब इस एल के अंदर मैं एल के अंदर कितना टोटल वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एल को लिखने की कोशिश करूंगा, तो आपको पता है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आ रही है लैम्डा अपॉन फोर, और बाकी की जो लेंथ आ रही है लैम्डा बाई टू। तो बेसिकली अब जो ये एल होगा, ध्यान से देखना, अब जो ये एल होगा, ये एल होगा एन टाइम्स लैम्डा बाई टू, एन टाइम्स लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, एन टाइम्स लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर। तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन लैम्डा बाई फोर, इट विल बी टू एन प्लस वन लैम्डा अपॉन फोर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज योर एल, दिस इज योर एल। इससे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आप चाहो, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4L अपॉन 2N प्लस 1। सब लोग अपने कॉपी में कैलकुलेशन खुद करो, आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू 4L अपॉन 2N प्लस 1। अब अगर आप लिखोगे वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो उससे एफ की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी को तो आप डायरेक्टली लिख दो गामा आर टी बाय एम नॉट, इसमें कोई खास बात नहीं है, गामा आर टी बाय एम नॉट लिख दो, और लैम्डा जो है 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह पे 4L बाय 2N प्लस 1 लिखो, तो वो आ जाएगा क्या, देखो ध्यान से, ऊपर आ जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 4l। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी इस केस में जो आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाइड है, दैट इज योर नंबर ऑफ हार्मोनिक। तो दिस इज योर 2n प्लस 1th हार्मोनिक, दिस इज योर 2n प्लस 1th हार्मोनिक, ये 2n plus 1th हार्मोनिक है। अब बात करते हैं ओवरटोन की, ओवरटोन क्या हो जाएगा, फंडामेंटल के ऊपर कितने लूप्स एक्स्ट्रा। तो हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल के ऊपर n कंप्लीट लूप्स एक्स्ट्रा है, तो ये बनेगा nth ओवरटोन, ये बनेगा nth ओवरटोन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो आपको बहुत से सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा, कंपेयर द 19th हार्मोनिक विद 27th ओवरटोन of a closed organ pipe. तो 19th harmonic, 19th harmonic मतलब 2 into n plus 1, ठीक है, n की जगह पे n है, 9 है, तो 19th harmonic हो गया and 27th overtone, तो 27th overtone को harmonic में बदल दोगे, तो वो हो जाएगा n की जगह पे 27 रखो, तो this will become 2 into 27 plus 1, that is 55, तो 55th harmonic हो जाएगा। तो इधर दोनों को harmonic के terms में बदल दो या दोनों को overtone के terms में बदल दो, right? कोई भी एक में कर लो तो आपको वो रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकती है जहां पे आपको टेम्परेचर चेंज कर देगा या अलग अलग गैस देगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल बहुत से मिलते हैं, कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गन पाइप है, सॉरी आपके पास एक ऑर्गन पाइप है, और एक दूसरी ऑर्गन पाइप है, ठीक है, यू आर हैविंग टू ऑर्गन पाइप्स। एक ऑर्गन पाइप में आपके पास ऑक्सीजन भरा हुआ है, एक ऑर्गन पाइप में आपके पास ऑक्सीजन भरा है, और दूसरे ऑर्गन पाइप में आपके पास सपोज हीलियम भरा हुआ, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, हीलियम भरा हुआ एक में, ठीक है, और एक की टेम्परेचर है, हीलियम की टेम्परेचर है 300 केल्विन, और एक की टेम्परेचर है 200 केल्विन, सपोज 200 केल्विन बहुत कम हो गया, नहीं 400 केल्विन, ठीक है। आपको कंपेयर करना है इसका 26th हार्मोनिक, इसका 26th हार्मोनिक कंपेयर्ड टू 15th ओवरटोन ऑफ द सेकेंड वन, 15th ओवरटोन कंपेयर करना है।
तो ऐसे सवाल वो कैसे करोगे? 26 हार्मोनिक, आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है, ठीक है? क्या मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको क्या क्या आपका फॉर्मूला आता है? तो आपको पता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो 2n+1 हार्मोनिक होता है 1th ओवरटोन होता है, तो 2n+1 हार्मोनिक इज इक्वल टू nth ओवरटोन। तो 15th ओवरटोन को आप हार्मोनिक बदल लो, 15th ओवरटोन मतलब 31st हार्मोनिक हो जाएगा, तो 31st हार्मोनिक हो जाएगा, तो इसका 26th हार्मोनिक या 31st हार्मोनिक। लेकिन अब यहाँ पे गैसेस भी अलग अलग है और टेम्परेचर भी अलग अलग, तो आपको यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फर्स्ट केस में, इसको मैं फर्स्ट केस बोलता हूँ और इसको सेकंड केस बोलता हूँ। तो फर्स्ट केस का जो आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा, दैट विल बी, ध्यान सुनना, एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, 26th हार्मोनिक, 26 बाई 4L, 4L होगा ना, हाँ ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इनटू गामा आरटी बाय एम नॉट। अच्छा गामा क्या होता है, 2f+1। तो आप हीलियम के लिए, हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, तो उसके लिए गामा निकाल सकते हो, तो गामा आप निकालोगे, आर निकालो, आर तो कांस्टेंट है सॉरी, टेम्परेचर निकालोगे 300 और मॉलिक्यूलर मास हीलियम का, ठीक है? तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास, तो आपको हीलियम का मॉलिक्यूलर मास आपको पुट करना पड़ेगा 4। अच्छा अब जब आप यहाँ पे 4 पुट करोगे तो आपको एक बात समझनी है कि वो जो 4 पुट करोगे वो 4 लिखोगे या 4 × 10⁻³ लिखोगे? तो आपका आंसर आना चाहिए 4 × 10⁻³। बिकॉज ये रेशियो है तो आप यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 4 लिखते हो और अगर आप दूसरे फॉर्मूला में भी आप उसका मॉलिक्यूलर मास 32 लिखते हो ऑक्सीजन का विदाउट चेंजिंग इनटू केजी पर मोल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके एरर्स दोनों साइड में कट जाएंगे, तो आपका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक में केजी पर मोल में लिया है और दूसरे में आपने ग्राम पर मोल में लिया है, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बेटर यही है कि आप सबको कॉन्सेप्चुअली मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल की जगह पे केजी पर मोल पे ही रखें, ग्राम पर मोल तो गलत होता है, तो केजी पर मोल पे ही रखें आप एंड देन यू सॉल्व इट। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो आपको कंपेयर करना है तो दोनों के रेशियोज निकालनी है, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस क्या है, कि मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सेंटीग्रेड टर्म्स में देखें तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर केल्विन के टर्म्स में देखें तो 300 से 310 केल्विन हो रहा है, तो वो 10% से छोटा है, काफी छोटा है, तो उस केस में हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन का भी तरीका बताया था। ये जो चीजें मैंने लास्ट टाइम पे कुछ हार्प की थी जो कि साउंड के वेलोसिटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से डील करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पक्का करके जाएं। आई होप यू अंडरस्टूड इसमें करना क्या है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, 26/4L अंडर रूट ऑफ, यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, नीचे लिखूंगा एक और बोर्ड पे, लेट्स राइट इट डाउन। तो जो फ्रिक्वेंसी आएगी, ठीक है, दैट विल बी इन वन, दैट विल बी 26/4L। सब लोग मेरा साथ दें, सर बहुत हो गया, कोई साथ नहीं देंगे। गामा की वैल्यू बोलो 2/f+1, f की वैल्यू कितनी है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, 3, 2/3+1, क्या ये 5/3 आएगा? आर टेम्परेचर कितना था 300 और मॉलिक्यूलर मास कितना लोगे, ये ब्रैकेट के अंदर ही है याद रखना, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 4 × 10⁻³। और जो F2 आएगा वो आएगा कितना ओवरटोन था वो 31st, राइट, कितना लिया था हमने क्वेश्चन में, 15th ओवरटोन, 15th ओवरटोन मतलब हार्मोनिक में कितना 2n+1 है हार्मोनिक, दैट इज 2 × 15⁻³, 31st, करेक्ट, 31st, सही याद था मुझे, 31st, तो ये आ जाएगा 31/4L अंडर रूट ऑफ गामा, ऑक्सीजन के लिए गामा कितना हो जाएगा, डायटॉमिक है 5, 2/5+1, 7/5 होगा क्या ये, और टेम्परेचर कितना 400, मॉलिक्यूलर मास कितना 32 × 10⁻³। आई होप यू गॉट दिस। अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है साइड बाय साइड, न्यूमरेटर को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, राइट हैंड साइड कर दो, अगर डिवाइड कर दोगे तो सब बहुत कुछ कट जाएगा, कुछ कुछ बचेगा, जो बचेगा उसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की आपकी सॉरी जो भी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी में भी ये वो ओवरटोन जो वाइब्रेट कर रही है, तो
तो उसका रेशियो आपको मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो आएंगे भी, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यू नो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट नाउ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में तो वी विल टॉक अबाउट ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में कॉन्सेप्चुअली आपको एक बात समझनी है कि ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड्स ओपन है इसके। तो ओपन ऑर्गन पाइप अगर बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या करेंगे हम लोग, लेट्स सी ऐसा। तो अब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की पहले बात कर लें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी, ठीक है, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी बनाई है मैंने, अगर आप लॉजिकली समझ चुके हो तो बता सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट का है या प्रेशर का है। ये डिस्प्लेसमेंट का है। प्रेशर का बनाएंगे तो चलिए बना लेते हैं प्रेशर का। प्रेशर का बनाएंगे तो एक्चुअली मुझे यहाँ ही बनाना चाहिए, ठीक है मैं बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ध्यान सुनो। प्रेशर का बनाएंगे तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहां पे प्रेशर का नोड होगा। इस टाइप से होगा और ये आपका प्रेशर प्रेशर स्टैंडिंग वेव बनेगा। देखिए ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे समझनी है, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव और प्रेशर स्टैंडिंग वेव। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस, अदरवाइज आप फंस जाओगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, आइए डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव एंड प्रेशर स्टैंडिंग वेव। अब आपको इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करना है। फिर से आपके पास बेसिक फार्मूला है v = f लैम्डा। फिर से आपके पास बेसिक फार्मूला है v = f लैम्डा। v = f लैम्डा यूज करें तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा देखें, मान लीजिए लेंथ ऑफ द पाइप इज l, मान लो मैं बोलता हूँ कि लेंथ ऑफ द पाइप इज l, तो यहाँ पे देखो अगर आप देखेगा कि l की वैल्यू जो है, l की वैल्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, जिससे आपको मिल जाएगी लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2l के बराबर मिलेगी आपको। लैम्डा की वैल्यू अगर 2l के बराबर है, v = f लैम्डा है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे मैं f नॉट बोलूंगा, इट विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह पे 1 बाय 2l पुट कर दूंगा और v की जगह पे मैं पुट कर दूंगा गामा rt बाय m नॉट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बेसिक बेसिक बातें, कोई खास बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है मैंने आपको क्या सिखाया था, ये जो पार्ट है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पार्ट है और यहाँ पे जो आपको ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर डिसाइड करेगा कौन सा हार्मोनिक है। तो यू नो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसको ओवरटोन नहीं बोलेंगे बिकॉज ये फंडामेंटल पे है, ओवरटोन इसके ऊपर आता है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल। अब एक और बात कर लेते हैं, चलो ध्यान से देखो, मैं दोनों नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ किसका बनाऊ बोलो, डिस्प्लेसमेंट का बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का बना लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का बनाऊंगा तो कैसा होगा, देखो ध्यान से, ये देखो इट विल समथिंग लाइक दिस। सॉरी, ओके लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर। फंडामेंटल के ऊपर वाला लूप है, तो फंडामेंटल के ऊपर वाला लूप है, तो ये लेंथ अगर l है, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दैट l इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तो l विल बी इक्वल टू यू नो लैम्डा, यहां पे लैम्डा आएगा बिकॉज़ दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2 होगी और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4 होगी, तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो l इज इक्वल टू लैम्डा। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा अगर हम यूज करें, v is equal to f lambda अगर हम use करें, v is equal to f lambda अगर हम use करें, तो f की value जो आएगी, f की value आ जाएगी v upon lambda, v की value है gamma rt by m naught, v की value है gamma rt by m naught और lambda, lambda की value कितनी हो जाएगी, lambda की value l है, इसको क्या करें 2l कर दें और यहाँ पे 2 कर दें। अच्छा, ऐसा मैंने टिकड़म क्यों किया, क्योंकि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, अगर आपको याद होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखने का जो सिंपल तरीका था, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 1 बाय 2 एल गामा आर टी बाय एम नॉट, ये फंडामेंटल वाला पार्ट है। ठीक है,
तो मैं 1/12 × गामा आरटी पे एम नॉट हर जगह पे रखने की कोशिश करूंगा, बिकॉज वहां पे नहीं आ रहा था उस फॉर्मेट में, इसलिए उस फॉर्मेट को रीअरेंज करना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्यों किया था मैंने इसको, ठीक है। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये तो फंडामेंटल वाला पार्ट में गया, और ये जो 2 दिख रहा है आपको, दिस विल शो दैट दिस इज योर सेकंड हार्मोनिक, दिस इज योर सेकंड हार्मोनिक। तो अगर ये सेकंड हार्मोनिक है, अब सवाल आता है कि ओवरटोन कितने का है, ये समझेंगे। ओवरटोन जानने के लिए क्या देखेंगे, फंडामेंटल के ऊपर कितने एक्स्ट्रा लूप्स है, फंडामेंटल के ऊपर कितने एक्स्ट्रा लूप्स है, 1 लूप है, तो क्या ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, इज योर फर्स्ट ओवरटोन, ये आपको एकदम समझ में आना चाहिए। तो ये सेकंड हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवरटोन। तो अभी एनथ वाला बनाना है, एनथ वाला मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से बनाओ, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि जो एनथ हार्मोनिक है वो n-1 है तो ओवरटोन आएगा, ये आपको याद रहना चाहिए, जो आपको साफ सब दिख भी रहा है, ठीक है। तो एनथ हार्मोनिक विल बी इक्वल टू n-1 है तो ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि देखो ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने के कारण ओपन ऑर्गन पाइप से ही हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे कि फ्लूट, बांसुरी जिसे बोलते हैं, क्योंकि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे जो क्वालिटी ऑफ साउंड होगी वो ज्यादा रिचर होगी, ज्यादा स्वीट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, सारे फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो वाद्य यंत्र, जैसे कि हम बात करें फ्लूट की, ठीक है, तो फ्लूट में जो साउंड की क्वालिटी होगी वो ज्यादा रिचर होगी, क्योंकि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसके ऊपर छोटा बेसिक सवाल बन सकता है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन पाइप्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव में फिर से अगर मैं बोलना चाहूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव और प्रेशर स्टैंडिंग वेव समझनी है। डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव और प्रेशर स्टैंडिंग वेव में कितने का फेज डिफरेंस होता है आपको पता है, ट्रैवलिंग वेव से आप वो सीख चुके थे, और अभी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव की सुपर इम्पोजिशन करो। लेकिन जब सुपर इम्पोजिशन होगी तो आपको एक बात समझनी है कि जो वेव टकरा के वापस आ रही है और जो वेव चल रही है एक डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक वेव चल रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, टकराई एक इंटरफेस से वापस आई, तो वापस आते वक्त वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाने लगी, तो जब ये टकराएंगे तो ये दोनों वेव का क्या सेम होना चाहिए फॉर स्टैंडिंग वेव टू हैपन, इन दोनों का सेम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये बेसिक बात आपको समझना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग हो गया तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अलग होने से हमें कुछ और सुनाई देता है, जैसे हम बोलते हैं बीट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, गुड। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या है, एक और कॉन्सेप्ट है एंड करेक्शन का। आइए देखते हैं एंड करेक्शन क्या होता है। बेसिकली लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, इसके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेफिनेटली, और जिसको नहीं पता 11th वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं इसे, तो एंड करेक्शन के ऊपर ध्यान दें। अरे एंड करेक्शन होता क्या है, देखो ध्यान से। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन पाइप आप रखोगे मीडियम में, तो वो ऑर्गन पाइप पूरे मीडियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एक होगा मीडियम जो ऑर्गन पाइप के अंदर प्रेजेंट है, और एक होगा मीडियम जो ऑर्गन पाइप के बाहर प्रेजेंट है। आप क्लोज ऑर्गन पाइप बात कर लो, ओपन ऑर्गन पाइप बात कर लो, किसी भी टाइप के ऑर्गन पाइप की बात कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम अलग अलग हो गया। अब मीडियम अलग अलग होने के लिए लॉजिकली ये बोला गया कि सपोज आपके पास एक, फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करता हूँ, अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूँ तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मीडियम जो इसके अंदर का मीडियम है उसकी जो बाउंड्री होती है ना, वो बाउंड्री एग्जैक्टली इसके मैकेनिकल बाउंड्री में खत्म नहीं होती है, ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का या प्रेशर का स्टैंडिंग वेव बनाऊं, तो प्रेशर का स्टैंडिंग वेव ऐसा अगर होगा, मैं प्रेशर का बनाता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें समझ में आए। यार बहुत परेशान कर रहा है ये देखो, ये देखो। तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि इसकी जो ओरिजिनल फिजिकल बाउंड्री थी, किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की, वो फिजिकल बाउंड्री से जो एक्चुअल जहां पे बाउंड्री आ रही है वो एग्जैक्टली फिजिकल बाउंड्री पे एंड नहीं हो रही, वो थोड़ी सी बाहर जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ बाहर जाता है यहाँ पे अगर मैं इसे दिखाऊं, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेंथ है ब्लू और सॉरी रेड और येलो के बीच में, ये जो लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप जो थी एल, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जुड़ जाती है।
तो जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप होता है, जिसे मैं एल इफेक्टिव बोलूंगा, एल इफेक्टिव जो होता है वो जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है ऑर्गन पाइप का, उसके साथ साथ एक और नंबर जुड़ता है, ठीक है, और जो नंबर उसके साथ जुड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन. क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन. और ये एंड करेक्शन जो है, ये एंड करेक्शन होता है 0.68. तो अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूं तो ओपन ऑर्गन पाइप में दो बार एंड करेक्शन जुड़ता है. एक एंड करेक्शन आएगा यू नो ऑन फॉर वन साइड एंड अदर एंड करेक्शन ओनली फॉर द अदर साइड. तो एल इफेक्टिव विल बी एल प्लस ट्वाइस इनटू एंड करेक्शन. और एंड करेक्शन का जो फॉर्मूला है इट इज गिवन बाय एज 0.6 R, 0.6 R और 0.3 D, जैसे आप लिख लो. ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला आप रख लो, ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला है 0.6 R. ये कैसे आया ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है 0.6 R एंड करेक्शन होता है एक साइड का. तो अगर दो साइड में एंड करेक्शन जुड़ रहा है तो इट विल बी यू नो टू टाइम्स द एंड करेक्शन दैट वी विल टॉक अबाउट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, आइए अब यहाँ पे एक बात है जो आपको समझनी है, जिसको मैं यू नो स्टार मार्क करूंगा इस, ताकि आपके दिमाग में ये फिट रहे. देखिए, बच्चे का सवाल आता है कि सर पता कैसे चले कि एंड करेक्शन लेना या नहीं लेना है. एंड करेक्शन लेना या नहीं लेना ये पता चलेगा इफ आर इज प्रोवाइडेड और नॉट प्रोवाइडेड फॉर द पाइप. आर इज प्रोवाइडेड क्या, ये देखिए, अगर आर प्रोवाइडेड है, अगर आर प्रोवाइडेड है, ये क्वेश्चन मार्क, अगर आर प्रोवाइडेड है इसका मतलब एंड करेक्शन लिया नहीं गया है. क्योंकि अगर आर प्रोवाइडेड नहीं होता तो एंड करेक्शन लिया जाता, और एंड करेक्शन अगर ले लेते हम लोग तो जो भी एंड करेक्शन होता वो हम उसके साथ लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द पाइप के साथ जोड़ देते. तो अगर आर प्रोवाइडेड है, आर इसीलिए दिया है क्योंकि आपको एंड करेक्शन फिर ज्योमेट्रिकल लेंथ पे जोड़ना है. और अगर कहीं पे आर नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपको एल इफेक्टिव ही प्रोवाइड किया गया है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आपको एल इफेक्टिव ही प्रोवाइड किया गया है. तो पता कैसे चले कि एंड करेक्शन लेना है या नहीं लेना है ज्योमेट्रिकल लेंथ के साथ, तो वो पता चलेगा whether R is provided to you or not. अगर R provided है तो end correction ले लीजिए, उसके साथ जोड़िए, और अगर R provided नहीं है तो it will not be. ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? अब आप देखिए, जैसे कि for example अगर मैं fundamental frequency की बात करूं तो end correction के साथ fundamental frequency open organ pipe और closed organ pipe में कैसे change होगी? मेरे पास सामने open organ pipe का diagram है. तो open organ pipe में क्या हो जाएगा, let's see. open organ pipe में आपने अगर देखा होगा, open organ pipe में ये जो L plus जो मैं जो भी एंड करेक्शन है दैट इज 2 इनटू 0.6 आर इज 1.2 R, तो इसको मैं एल इफेक्टिव बोल रहा हूं. तो क्या अब मैं लिखूं एल इफेक्टिव इज इट इक्वल टू v इक्वल टू f लैम्डा. तो एल इफेक्टिव यहां पे कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, है ना, लैम्डा बाय 2. तो एल इफेक्टिव अगर लैम्डा बाय 2 है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो आई, लैम्डा की वैल्यू विल बी 2 टाइम्स एल इफेक्टिव, 2 टाइम्स एल इफेक्टिव. तो ये अगर 2 टाइम्स एल इफेक्टिव आया, अब लॉजिकली देखें आप, v इक्वल टू एफ लैम्डा है, v की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुई, तो f की वैल्यू हो जाएगी v बाय लैम्डा. लैम्डा की जगह पे 2 1 बाय 2 एल इफेक्टिव रखोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट. और नीचे जो लैम्डा लिखोगे यू विल राइट इट एज 2L. तो 2L जब लिखोगे, L की जगह पे क्या लिखोगे, 2L इफेक्टिव, E लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, 2L इफेक्टिव. ये दिख नहीं रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा. ये देखिए 1/2L इफेक्टिव, ये इफेक्टिव है E, ठीक है. सो 1/2L इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट, ये आ जाएगा आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप. क्लोज ऑर्गन पाइप लेंगे तो आपको पता है इट वाज लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल इफेक्टिव. तो लैम्डा की वैल्यू 4 टाइम्स एल इफेक्टिव आ जाएगी, तो ये नीचे 4 टाइम्स एल इफेक्टिव आ जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. और एल इफेक्टिव, अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है कि एल इफेक्टिव ओपन ऑर्गन पाइप में कितना लोगे, ओपन ऑर्गन पाइप में आप लोगे 0.6 R plus 0.6 R, that is 1.2 R. और closed organ pipe में क्या लोगे? Only 0.6 R. I hope you are understanding this. उसमें क्या लोगे? Only 0.6 R. क्या clarity है? Is it clear to everyone? Clear है क्या?
ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक कॉन्सेप्ट बात करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस कॉलम। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस कॉलम। ठीक है, विल टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज रेजोनेंस कॉलम। अच्छा, रेजोनेंस कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको ज्यादा दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। रेजोनेंस कॉलम क्या होता है? एक वर्टिकल पाइप होता है जिसमें वाटर की लेवल को आप वेरी करा सकते हो। तो ये वाटर की लेवल को वेरी कराने का जो तरीका होता है, वाटर की लेवल को जो वेरी कराने का तरीका होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे एक पाइप रहती है और ये जो पाइप है, सॉरी, ये जो पाइप है यहाँ पे, ये पाइप एक कंटेनर के साथ कनेक्टेड रहती है जिसके अंदर वाटर, इस पूरे इसमें वाटर रहता है और यहाँ पे भी वाटर रहता है। बिकॉज ये ओपन सरफेस है, यू नो कि इट इज ऑल्सो एक्सपोज टू एटमोस्फेरिक, इट इज ऑल्सो एक्सपोज टू एटमोस्फेरिक। थोड़ा बहुत आपको फ्लूइड प्रेशर का कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। तो जो लेवल ऑफ वाटर रहेगी दोनों जगहों पे सेम रहेगी, तो लेवल ऑफ वाटर सेम रहेगी। तो ये लेवल ऑफ वाटर को सेम करने के लिए इट इज एन इनएक्सपेंसिव मेथड। तो लेवल ऑफ वाटर सेम करना से क्या होता है कि जहां पे वाटर रहती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर है, तो जहां पे वाटर रहती है ना, तो वाटर सर्व्स एज, वाटर की जो लेयर है, इट सर्व्स एज अ क्लोज्ड एंड, इट सर्व्स एज अ क्लोज्ड एंड। तो अगर ये क्लोज्ड एंड की तरह ट्रीट हो रहा है, तो जो दूसरा एंड है, ये वाला जो एंड है, दिस इज सर्विंग एज एन ओपन एंड, दिस इज सर्विंग एज एन ओपन एंड, और दूसरा वाला एंड जो है वो क्लोज्ड एंड है। तो आप वाटर की लेवल को चेंज करके ओपन एंड और क्लोज एंड की दूरी को चेंज कर सकते हो विदाउट मच प्रॉब्लम। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो अब क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, आप मान लो आपके पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और मान लो यहां तक वाटर भरी हुई है और आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें क्रिएट करना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप डिस्प्लेसमेंट का, प्रेशर का, किसी का भी बना सकते हो। मैं आपके सामने डिस्प्लेसमेंट का रख रहा हूँ, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम डिस्प्लेसमेंट का रखें, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए, it will be something like this. ये चीज आई, तो ये चीज आई मान लीजिए कुछ एक लेंथ L1 पे, L1 लेंथ पे आई ये, मान लो L1 लेंथ पे आई। ठीक है, तो अगर ये L1 लेंथ पे आ रही है, ध्यान से देखना, अगर ये L1 लेंथ पे आ रही है तो हम क्या लिखेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज F0 इज इक्वल टू V/4L। एक्चुअली ये रेजोनेंस कॉलम का एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेसिकली, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने वो नहीं बताया आपको। रेजोनेंस कॉलम के एक्सपेरिमेंट में क्या होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि आपके सामने एक रेजोनेंस कॉलम होती है और आप इस रेजोनेंस कॉलम के दूसरे सिरे पे आप एक ये लेते हो, क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉक, और आप उस ट्यूनिंग फॉक को ऑसिलेट कराते हो। ट्यूनिंग फॉक को जब ऑसिलेट कराते हो तो ट्यूनिंग फॉक से एक वेव जाती है नीचे की तरफ, टकराती है फिक्स्ड बाउंड्री से, और दूसरी वेव आती है ऊपर की तरफ, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। तो ये जो जाने वाली वेव और आने वाली वेव, ये टकराते हैं एंड देन दे क्रिएट सेंस ऑफ यू नो सुपर इम्पोजिशन, जिसके कारण आपकी स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। तो जब स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है तो उस जगह पे आपको एक लाउड साउंड सुनाई देता है। तो स्टैंडिंग वेव हर लेंथ पे जनरेट नहीं होगी, वो फिक्स्ड लेंथ पे जनरेट होगी। वो तभी जनरेट होगी जब जो लेंथ है उस लेंथ के अंदर आपके वो मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ फिक्स्ड बैठे। जैसे कि वो लेंथ ऐसा होना चाहिए कि जो साउंड में जो पर्टिकुलर गैस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ जनरेट हो रही है, वो वेवलेंथ बेसिकली L1 के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो L1 के अंदर जो लेंथ आएगी वो आएगी λ/4। ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी, ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आपको दिखेगा कि रेजोनेंस का फंडा हो रहा है, मतलब आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। सभी लेंथ पे लाउड साउंड सुनाई नहीं देगा,
ये तभी होगा जब आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो रही है या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर एन इंटीग्रल नंबर ऑफ कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं उसी लेंथ के अंदर, देन ओनली यू विल बी एबल टू हियर द लाउड साउंड। तो जैसे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लो बन गया, जो मैंने यहाँ पे दिखाई है राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गया तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा हम यूज करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी ठीक है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी, v इक्वल टू एफ लैम्डा के हिसाब से f इक्वल टू v बाय लैम्डा। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपको पता है, इट्स नॉट अ बिग डील, यू नो दैट दिस फार्मूला इज गिवन सिंपली बाय अंडर रूट ऑफ गामा आरटी बाय एम नॉट। तो गामा आरटी बाय एम नॉट हम लिखेंगे, तो गामा आरटी बाय एम नॉट लिखेंगे, और जो ये लेंथ है l1, ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ l1 आप मेजर कर सकते हो, तो आप इसको लिखोगे 1 बाय l1 ठीक है। ये l1 इज इक्वल टू l1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 4 सॉरी, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4l1, दिस इज व्हाट यू विल गेट ठीक है, आपको ये मिलेगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। आपको ट्यूनिंग फॉग, जो ट्यूनिंग फॉग है, ट्यूनिंग फॉग आप एक वाइब्रेट कराओगे फिर आपको लाउड साउंड सुनेगा, तो ट्यूनिंग फॉग वाइब्रेट कराओगे तो ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको प्रोवाइडेड रहेगी, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एफ नॉट अगर आपको दिया हुआ है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एट व्हाट लेंथ इट विल हैपन, एट व्हाट लेंथ यू विल बी एबल टू हियर द फर्स्ट लाउड साउंड। अब अगर आप वाटर के लेयर को और चेंज करो, और मतलब कम करो वाटर के लेयर को, तो जो लेंथ ऑफ द पाइप अवेलेबल हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। अब उस केस में आपको जो सेकंड आप क्या करो, उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेटर लैब का जो होता है वो बोलेगा कि अब लिक्विड की लेवल को और कम करते चलो, आपको एक जगह पे दूसरी बार लाउड साउंड सुनाई देगा। दूसरी बार लाउड साउंड सुनाई देने का मतलब क्या है, दूसरी बार लाउड साउंड सुनाई देने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी बार लाउड साउंड सुनाई देने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा कि आपके पास ये आपकी क्लोज आपके ओपन ऑर्गन पाइप है। अब मान लो लिक्विड की लेयर यहां तक हो गई और आपने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे इस टाइप की कुछ सीक्वेंस बना दी ठीक है। कैसी बनाई देखिए, आपने यहाँ पे ये मछली का आकार बना दिया ठीक है, ये केस आ गई। तो इस केस में ये जो लेंथ है अभी, ये लेंथ L2 है, तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी हुई F0 या F जो आपकी ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसी थी वो तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है, आपने चेंज किया फिर से आपको लाउड साउंड सुनाई दिया, चेंज क्या किया, लेंथ ऑफ द पाइप। तो अभी जो F है ये F को क्या लिखेंगे, दिस F विल बी राइट गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये जो F है, ध्यान से देखिए, ये जो F है, इस F को क्या लिखोगे आप, ये F हो जाएगा अभी आपका v equal to f lambda के हिसाब से, f will be equal to v by lambda, lambda क्या लिखूं, lambda by 4 plus lambda by 2। ये देखो ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ lambda by 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ lambda by 2 है, lambda by 4 plus lambda by 2 will it be equal to 3 lambda by 4, yes। तो आप देखोगे कि जो l2 है, l2 will be equal to 3 lambda by 4, ये चीज आपको मिल गई, तो 3 lambda by 4 है, इससे आपको lambda की वैल्यू मिलेगी 4L2 by 3। तो F की वैल्यू आ गई V equal to F lambda के साथ, F की वैल्यू आ जाएगी V by lambda, V आप मान लो V है आपका under root of gamma RT by M0, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये सेम है, temperature सब सेम माना गया है, और यहाँ पे जो L आएगा, lambda आएगा sorry, lambda will be 4L2 by 3, तो ये ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4L2, क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है। तो अभी सपोज इस मेथड से बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इस मेथड से किस लेंथ पे आएगी या लेंथ रिकॉर्ड कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जाए या फिर आपका वेलोसिटी ऑफ द साउंड निकालने के लिए बोला जाए, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इस मेथड में जो पहला केस हमने लिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, उसका एग्जाम्पल देखो मैं फिर से यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ध्यान दीजिएगा, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आया, ध्यान से देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया है आपका लास्ट स्लाइड देख लो कितना आया था, 1/4L2 आया था शायद, 1/4L1 सॉरी, इनटू अंडर रूट ऑफ गामा आरटी बाय एम नॉट ठीक है। और ये जो था ये आपका था किसके बराबर था, ये आपका था यू नो
दिस इज योर व्हाट वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपने प्रोवाइड की है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक की जो है वो तो फिक्स्ड है। ट्यूनिंग फॉक तो एक ही ट्यूनिंग फॉक यूज कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो L1 और L2 है, ये L1 और L2 these are what lengths, these are effective lengths or these are your geometrical length, humne abhi padha tha end correction, to ye effective length, to agar maan lijiye hame diameter of the tube provided nahi, to hame ye L2 aur ye L1, ye L2 aur L1 mein end correction jodna padega which is equal to 0.6, to effective length lena padega L2 effective aur L1 effective, agar hame radius pata nahi hai to simply wahan pe अगर हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ दी हुई है तो, और हम ज्योमेट्रिकल लेंथ की एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, तो हमें L2 के साथ जोड़ना पड़ेगा क्या 0.6R एंड L1 के साथ भी जोड़ना पड़ेगा 0.6R। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो मैं यहाँ पे इसको L2 इफेक्टिव लिख देता हूँ E, और यहाँ पे L1 इफेक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है, टू मेक इट मोर प्रोसाइज, बिकॉज L2 आप मेजर कर सकते हो विच इज द लेंथ, लेकिन E कितना हो जाएगा बिकॉज आपको रेडियस पता नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। तो आपको L1 और L2 दोनों आपको पता चल जाएगी इससे, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि जो L1E और L2E है, ये लेंथ आपको अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो FF कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, F कट जाने के बाद आपको मिलेगा 3/4 और 4, तो आपको L1E और L2E का रेशियो मिल जाएगा, और L1E और L2E इफेक्टिव, अब देखिए आप लॉजिकली L2E जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L2E विल बी जो L2 है ज्योमेट्रिकल लेंथ जो आप मेजर कर सकते हो, L2 मेजरेबल प्लस 0.6R, ठीक है, आपने L2 मेजर कर लिया है, और L1E क्या लिख सकता हूँ मैं, व्हाट विल बी माय L1E, L1 इफेक्टिव विल बी L1 व्हिच इज मेजरेबल, जो आप मेजर कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, प्लस 0.6R। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, सेम पाइप है तो 0.6R आ गया। तो आपको जब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करोगे आप, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा कि L1E बाय L2E इज इक्वल टू 1/3। तो L1E की जगह पे आप L1 मेजरेबल प्लस 0.6R, L2 मेजरेबल प्लस 0.6R करोगे तो उससे आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज़ आपको L1 मेजरेबल L2 मेजरेबल नोन है, तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपको R की वैल्यू मिल जाएगी तब आप L2 इफेक्टिव और L1 इफेक्टिव की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, और वो निकालने के बाद आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी एक इक्वेशन में चले जाइए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको, ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको पता है बिकॉज ये ट्यूनिंग फॉक की है, तो ये आपको पता है, आपको 3/4 ये तो कांस्टेंट है, गामा आरटी पे M0 आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का रेजोनेंस कॉलम एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको वेलोसिटी ऑफ द साउंड मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई है, बिकॉज टेम्परेचर आपको पता नहीं है, आपको गैस का मतलब आपको कोई भी डेटा आपको प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप यहाँ पे ये जो सेक्शन है गामा आर टी एम नॉट जिसे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं, इस रेजोनेंस कॉलम की मदद से आप वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हो, और जब वो निकाला गया था तो ये देखा गया था कि इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ 333 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज रेजोनेंस कॉलम। तो गाइज आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच टाइम, ठीक है, 10:30 बज गए हैं, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो, ठीक है। तो बेसिकली आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जितनी बातें बताई गई है आप इस सेक्शन को और जो मैंने आपको नोट्स दी है 11th स्टैंडर्ड, प्लीज इनका एक अच्छे से नोट्स बनाइए आप खुद से, और रिपीटर्स एंड 12th स्टैंडर्ड प्लीज आप इंश्योर करें कि आप इन चीजों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर रहे हो, और जितने क्वेश्चंस में आपके डाउट्स हो रहे हैं आप वो डाउट्स रेज कर रहे हो एंड यू गेटिंग इट क्लियर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है, थैंक यू।